अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.4 में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इससे पहले टॉपिक 1.4 हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसकी यूजेस को। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कुछ अहम बातें। जैसे कि इसका फॉर्मूला है बेटा CaOCl2, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बेटा CaOCl और Cl। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा जो कैल्शियम है वो OCl के साथ लिंक होगा और फिर अलग से Cl के साथ लिंक होगा। तो OCl को अलग से लिखा है और Cl को क्या है बेटा, अलग से लिखा है। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर को बेटा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका बहुत इस्तेमाल है। तो इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा ऐसा ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। ठीक है, तो ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेटा रंग वगैरह को काटने के लिए, और डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यानी बेटा जरासीम से चीज़ों को पाक करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि बेटा ब्लीचिंग पाउडर को हेसन-क्लाइवर प्रोसेस के ज़रिए से किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो बेटा आप इस फिगर को देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये है बेटा हेसन-क्लाइवर प्लांट की एक फिगर है, जिसके ज़रिए से क्या है बेटा हम ब्लीचिंग पाउडर जो है वो तैयार करेंगे। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने के लिए हमें दो सब्सटेंस की ज़रूरत है। एक है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है देख सकते हैं बेटा CaOH2 होल ट्वाइस, जो कि किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। इसका रिएक्शन होगा बेटा क्लोरीन गैस के साथ। किस प्लांट में होगा बेटा, इसी प्लांट में रिएक्शन होगा और इसके नतीजे में बनेगा बेटा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ठीक है, इसकी स्टेट क्या होगी बेटा, सॉलिड होगी और इसके साथ साथ बनेगा बेटा इसमें H2O, इसकी स्टेट क्या होगी बेटा, लिक्विड होगी। ठीक है, तो हेसन-क्लाइवर प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन मौजूद है, तो इसमें इसके अलावा और कोई दूसरी इक्वेशन जो है वो नहीं है। तो अब आज बेटा इस प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए बेटा इस प्लांट में यहाँ पे दो स्टैंड मौजूद हैं, आपको दिख रहे हैं। इसके पीछे और भी स्टैंड जो है बेटा वो मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ दो स्टैंड में तो ये खड़ा नहीं रह सकता। तो बेटा ये है स्टैंड। इसके अलावा बेटा इसमें देखें बेटा आपको चार सिलेंडर दिख रहे हैं, जो कि बेटा मैंने ब्लैक से बनाए। तो देखें ये है बेटा पहला सिलेंडर और ये है बेटा दूसरा सिलेंडर, ये है तीसरा सिलेंडर और ये है बेटा चौथा सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर आप देखेंगे बेटा रॉड मौजूद है। इस सिलेंडर के अंदर बेटा रॉड है, जिसको मैंने ब्लू से बनाया है, रॉड रॉड रॉड। ठीक है, जिसको क्या कहेंगे बेटा, रोटेटिंग शाफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रोटेटिंग शाफ्ट, क्योंकि बेटा ये रॉड जो है बेटा इस सिलेंडर के अंदर घूमेगा, रोटेट करेगा। और बेटा इस रॉड के साइडों में ब्लेड्स भी लगाए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इन रॉड्स के साइड में क्या लगाए गए बेटा, ब्लेड्स लगाए गए। ओके, बात क्लियर? ठीक है, तो देखिए बेटा आप इसके टॉप पे जाते हैं पहले सिलेंडर में। तो यहाँ पे देखिए बेटा ओपनिंग मौजूद है, जिसको हुपर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बेटा स्लेक लाइन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दाखिल करेंगे। ओके, और बेटा नीचे देखिए यहाँ से क्या बेटा क्लोरीन गैस को दाखिल करेंगे, यहाँ से स्लेक लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और यहाँ से बेटा क्लोरीन गैस को। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ से दाखिल करेंगे, तो क्या है बेटा ये जो रॉड है ये घूमेगा, जिसको क्या कहते हैं बेटा, रोटेटिंग शाफ्ट कहते हैं। और उसके साइडों में क्या है बेटा, ब्लेड भी मौजूद होगा। तो जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, वो घूम घूम के ब्लेड के ज़रिए से क्या है बेटा, आगे की जानब ट्रैवल करेगा। ठीक है, आगे की जानब क्या करेगा बेटा, ट्रैवल करेगा। ओके, फिर देखें बेटा यहाँ पर ओपनिंग है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा वो नीचे आ जाएगा और फिर क्या है बेटा, उस जानब ट्रैवल करेगा। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाएगा। फिर देखें बेटा नीचे ओपनिंग है, तो नीचे दूसरे सिलेंडर में आएगा और ये रॉड क्या है बेटा घूमेगी, और ब्लेड के ज़रिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो आगे की जानब ट्रैवल करेगा। और फिर देखिए बेटा यहाँ पे दोबारा से ओपनिंग है, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेटा वो आगे की जानब जो है वो ट्रैवल करेगा। ऐसा ही है, तो बेटा जब आप क्लोरीन गैस यहाँ से दाखिल करेंगे, तो ये क्या बेटा नीचे वाले सिलेंडर में क्लोरीन गैस आएगी, फिर ऊपर वाले सिलेंडर में भी जाएगी, इसी तरीके से ऊपर वाले सिलेंडर में भी जाएगी और यहाँ पर भी जाएगी। ऐसे ही बात क्लियर है? तो दोनों प्रोसेस को एक साथ करना है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ से डालेंगे और क्लोरीन गैस को यहाँ से डालेंगे। तो क्या होगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का आपस में इंटरेक्शन होगा, तो इसके नतीजे में क्या है बेटा, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? और ब्लीचिंग पाउडर जो है बेटा वो तैयार होने के बाद यहाँ से हासिल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि बेटा इसमें इतने सारे सिलेंडर्स क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? इसमें इतने सारे सिलेंडर इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि बेटा क्लोरीन गैस जो है बेटा वो माहौल में शामिल ना हो जाए, माहौल में ज़ाया ना हो जाए। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास देखिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें मौजूद है। ठीक है, तो हम किसी पाइप के ज़रिए से क्लोरीन गैस जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर डालते हैं एक प्रेशर के ज़रिए से, तो होगा क्या बेटा, ज़्यादातर क्लोरीन गैस जो है वो ज़ाया हो जाएगी। जबकि इसमें क्या है बेटा, इस चैम्बर में, इस सिलेंडर में जो है बेटा क्लोरीन गैस जो है वो ज़ाया नहीं होगी।
तो बेटा पहले तो क्लोरीन गैस यहाँ से जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी, फिर कुछ क्लोरीन गैस जो बच जाएगी वो आगे रिएक्ट करेगी, कुछ बच जाएगी आगे रिएक्ट करेगी, फिर क्लोरीन गैस कुछ बच जाएगी यहाँ पर रिएक्ट करेगी, यहाँ नहीं तो आगे, यहाँ नहीं तो आगे, यहाँ नहीं तो आगे, यहाँ नहीं तो इस तरफ, यहाँ नहीं तो इस तरफ, तो कहीं ना कहीं तो बेटा क्लोरीन गैस जो है वो रिएक्ट कर जाएगी। और अगर नहीं रिएक्ट कर पाती है तो वो क्या है बेटा, वेस्ट गैस के तौर पर बाहर निकल जाएगी। बात क्लियर है? तो क्या है बेटा, प्लांट में सिलेंडर्स की तादाद में इजाफा भी किया जा सकता है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दाखिल करेंगे, यहाँ से क्लोरीन गैस को, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है बेटा बनने के बाद इस रास्ते से हमें हासिल हो जाएगा। और क्या बेटा, इसके साथ साथ क्या बेटा वाटर भी बनेगा, तो सिलेंडर में क्या है बेटा पानी भी मौजूद होगा, क्योंकि बेटा पानी भी बन रहा है एक प्रोडक्ट के तौर पर। तो पानी को रिमूव करने के लिए क्या, हॉट एयर को भी यहाँ से क्या है बेटा दाखिल किया जाएगा, ताकि ये पानी क्या है बेटा वेपर्स की सूरत में बन के यहाँ से क्या है बेटा बाहर निकल जाए। बात क्लियर हो रही? तो आइए बेटा इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। कमर्शियली इट इज प्रिपेयर्ड बाय हेजन क्लेवर प्रोसेस एज शोन इन फिगर। ड्राई स्लेक लाइम इज फेड इन टू हेजन क्लेवर प्लांट। तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है, तो ड्राई स्लेक लाइम को यहाँ से दाखिल करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द मोस्ट अपर सिलेंडर। द स्लेक लाइम इज मूव फॉरवर्ड बाय रिवॉल्विंग ब्लेड्स ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट। तो बेटा ये जो आपके पास शाफ्ट मौजूद है कैसा होगा बेटा, रोटेटिंग शाफ्ट होगा और इसके साइडों में क्या है बेटा ब्लेड्स भी लगे होंगे, तो इसको कहेंगे बेटा रिवॉल्विंग ब्लेड्स ऑफ रोटेटिंग शाफ्ट। तो रिवॉल्विंग ब्लेड्स की वजह से ही क्या है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लैम्प जो है वो आगे की तरफ मूव होगा। इसी तरीके से बेटा क्लोरीन गैस इज पास फ्रॉम द लोअर सिलेंडर विच राइजेज अप टू द अपर सिलेंडर एंड रिएक्ट विद द स्लेक लैम्प टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो बिल्कुल एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है, तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब देख लेते हैं बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो ब्लीचिंग पाउडर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? ब्लीचिंग पाउडर हैज अ डर्टी वाइट अपेरियंस। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर का जो कलर है वाइट होगा, लेकिन क्या है बेटा बिल्कुल साफ वाइट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा बेटा डर्टी होगा। ठीक है, तो मैंने देखा है बेटा उसमें हल्का सा येलिश येलिश कलर होता है, बहुत ही हल्का सा, बहुत ही हल्का सा। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट क्लोरीन ऑडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में से हल्की हल्की कैसी है बेटा क्लोरीन की जो है वो महक आएगी। बात क्लियर हुई? तो इसमें क्या है बेटा CaOCl Cl, इसमें क्लोरीन भी है जो है वो मौजूद है। इसके अलावा बेटा जो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर ये हाईली सोल्यूबल है, तो इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है बेटा वो पानी में हल पजीर है। तो अब तक हमने डिस्कस किया बेटा ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, अब डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और इसके यूजेस को। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर की केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस के हवाले से। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ब्लीचिंग पाउडर के दो केमिकल रिएक्शन दिए गए, पहला है रिएक्शन विद वाटर, दूसरा है रिएक्शन विद एसिड। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शन विद वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर इसका फॉर्मूला है CaOCl2, इसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड होगी। तो अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो इसके नतीजे में क्या है बेटा प्रोड्यूस होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ के साथ प्रोड्यूस होगा बेटा क्लोरीन गैस। ओके, तो इस रिएक्शन को आपने देखा है बेटा हेजन क्लेवर प्रोसेस में, तो जब ब्लीचिंग पाउडर तैयार कर रहे थे तो वहाँ पे क्या है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के रिएक्शन के नतीजे में ब्लीचिंग पाउडर और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, बिल्कुल उसका अपोजिट रिएक्शन है। बात क्लियर हो रही? ठीक है, लेकिन आप अपनी किताब में देखेंगे वहाँ पे क्या है बेटा हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो फॉर्म हो रहा है HOCl। ठीक है, लेकिन हाइपोक्लोरस एसिड क्या है बेटा इस केस में फॉर्म नहीं होगा। तो आपने क्या है बेटा इसी रिएक्शन को इस्तेमाल करना है और इसी रिएक्शन को एग्जाम में लिखना है अगर आपके पास आ जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस। इसके अलावा बेटा रिएक्शन विद एसिड, तो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 सिर्फ एक ही एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि आपकी किताब में भी एक ही एसिड के साथ दिखाया गया है और वो है बेटा HCl जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। तो इसके रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो होगी बेटा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो प्रोडक्ट को याद रखते हैं और लिखते लिखते क्या बेटा इसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो जब ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन होगा HCl के साथ तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड और इसके साथ साथ प्रोड्यूस होगा बेटा वाटर और इसके साथ साथ प्रोड्यूस होगा बेटा क्लोरीन गैस। ओके, बात क्लियर हो रही? अब इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। ये इक्वेशन तो बेटा बैलेंस है, इसको तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना, देखें बेटा कैल्शियम दोनों साइड एक है, ऐसा ही है। क्लोरीन देखें बेटा दो और एक तीन, इस साइड तीन और इस साइड कितने चार हैं, तो दोनों तरफ चार करते हैं, तो यहाँ पर अगर टू लगा दें तो क्लोरीन दोनों साइड जो है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हाइड्रोजन को देख लें, तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन दो, राइट में भी दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस। ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में एक, राइट हैंड साइड में भी एक, तो ये इक्वेशन क्या है बेटा बैलेंस हो चुकी है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपने इस रिएक्शन को भी देख लिया। अब इसके अलावा इसके यूजेस को देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर स्टेरलाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक है, तो पानी को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, चाहे वो जरासीम से पाक करना हो या उसके कलर को क्या है बेटा साफ करना हो। इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ कॉटन लिनन एंड पेपर, तो कॉटन की ब्लीचिंग करने के लिए लिनन की और पेपर की, ठीक है। तो बेटा जो नेचुरल कॉटन होता है या जैसा भी कॉटन हो उसका कुछ ना कुछ कलर जो है वो होता है, ठीक है। इसी जगह बेटा लिनन हो या पेपर, तो पेपर बनाने के लिए क्या है बेटा लकड़ियों से हम क्या हासिल करते हैं पल्प हासिल करते हैं, तो उसी तरीके से क्या है बेटा पल्प का भी कुछ ना कुछ कलर जो है वो मौजूद होता है। तो क्या है बेटा इनके कलर्स को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, ब्लीचिंग की जाती है, यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करने से क्या होता है इनके कलर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और ये क्या है बेटा वाइट कलर में तब्दील हो जाता है, ठीक है, बात क्लियर। इसका इस्तेमाल बेटा इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस की तैयारी और क्लोरोफॉर्म की तैयारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। लेकिन ये तैयार किस तरीके से होता है इसको हर भी डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।